जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू डिस्कस द टॉपिक एंगुलर मोमेंटम। अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड लीनियर मोमेंटम, दैट इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल दैट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। एंड व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी and it decides how easy or difficult it is to stop a moving body. Now we have to discuss about angular momentum, momentum of the particle that is moving along circular path. First of all, we define it. First, physical definition hai iski, the quantity of angular motion in a body is called angular momentum. एंड मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वैक्टर आर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लीनियर मोमेंटम पी इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं किन दो क्वान्टिटीज़ की, एक जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल का डिस्टेंस है जिसे हम पोजिशन वैक्टर कहेंगे आर, और लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट। सो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो सो दैट्स व्हाई एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और मैथमेटिकली वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट एज द प्रोडक्ट ऑफ मूमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। Here we have taken simple product, not cross product. Product किसके लिए है? Moment of inertia I, और ये किसके equal होता है? एम आर स्क्वेयर के। हमने already इसको discuss किया है, product of moment of inertia and angular velocity। हम दोनों तरह से define कर सकते हैं, दोनों mathematical definitions में से किसी एक को भी define कर सकते हैं। डायरेक्शन और एंड यूनिट्स, अगर हमने ये कहा है कि एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑफ कोर्स इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्शन हम इसकी कैसे फाइंड करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट में हम डायरेक्शन लेते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करते हैं? वी कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड वेक्टर एंड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। हियर इन दिस केस we say that a particle possesses angular momentum when it changes its angular position from reference level. जब तक angular displacement नहीं cover करेगा body, उस वक्त तक angular momentum भी नहीं होगा। angular momentum is a vector quantity and its direction is taken by right hand rule and it is always perpendicular to the plane containing r and p and usually along axis of rotation। देखिए ये प्लेन है, यहाँ पे देखें इस प्लेन में ये पोजीशन वेक्टर है आर, और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है अलोंग द टेंजेंट यही डायरेक्शन होगी लीनियर मोमेंटम की। तो अगर ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, इस एक्स वाई प्लेन में, तो थंब शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, सॉरी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को। तो और जो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होगी, जो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की होगी, वही डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की होगी। इसीलिए हमने यहाँ पे ओमेगा भी शो किया है कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी। अगर देखें, हमने कहा है कि हम इसको दूसरी डेफिनेशन में जो लिया था कि हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो इसमें एंगुलर मोमेंटम की सेम डायरेक्शन होगी एज दैट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इट्स ऐसे यूनिट्स आर जूल सेकेंड एंड डायमेंशंस आर एम एल स्क्वेयर टी रेज टू पावर माइनस वन। ये आपको ऑलरेडी बताया है डायमेंशंस हम कैसे लेते हैं। वी कन्वर्ट द गिवन यूनिट्स टू बेस यूनिट्स। जाउल को हम कन्वर्ट करेंगे बेस यूनिट में। जाउल इक्वल होता है न्यूटन मीटर के एंड न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। यहाँ से आएंगे हमारे पास डायमेंशंस एम एल स्क्वेयर टी रेज टू पावर माइनस वन। अब हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे एंगुलर मोमेंटम का। वी कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मैस एम, हियर इज वी हैव अ पार्टिकल ऑफ मैस एम दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी
वी एंड इट्स लीनियर मोमेंटम इज पी। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की होगी, क्योंकि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। मैस स्केलर है तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही लीनियर मोमेंटम की होगी। द एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन एज, अब देखें ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पॉइंट, यहाँ से मैस तक का डिस्टेंस है आर, आगे इस पे ये डायरेक्शन है इसकी लीनियर मोमेंटम की। ठीक, अब आपको ये बताया था कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स की टेल्स को ज्वाइन कर देते हैं, यानी कि इस वेक्टर आर को हम यहाँ से उठाएंगे और ये पी की टेल के साथ ज्वाइन कर देंगे। फिर हम आर को रिजॉल्व करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, यानी आर के हेड से प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे पी पे। तो ये जो आर कॉस थीटा कंपोनेंट होगा, दूसरा आर साइन थीटा होगा। आर साइन थीटा को देखिए हमने यहाँ पे पैरेलल ड्रा कर दिया है, आर साइन थीटा, दैट इज एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, और एल इज इक्वल टू आर पी एम वी के इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं आर एम वी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड पी। अगर हम ले रहे हैं सर्कुलर मोशन तो इसमें हमेशा पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है, यानी ये देखिए अगर ये सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा है बॉडी, तो इसमें क्या है कि ये है इसका पोजीशन वेक्टर और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है अलोंग द टेंजेंट। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही लीनियर मोमेंटम की होगी। तो देखिए यहाँ पे पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड इट्स टेंजेंशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, देन एंगुलर मोमेंटम इज एल इज इक्वल टू आर एम वी साइन ऑफ 90 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू हमने 90 पुट कर दी एंड वी नो दैट साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1, सो एल विल बी इक्वल टू एम आर वी। सिंस वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, सो वी पुट द वैल्यू एम आर इंटू आर ओमेगा, सो एम आर स्क्वेयर आर इंटू आर आर स्क्वेयर हो जाएगा, एम आर स्क्वेयर इंटू ओमेगा, एंड एम आर स्क्वेयर इज मूमेंट ऑफ इनर्शिया, सो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन एंगुलर मोमेंटम का। अब हम कैलकुलेट करेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी। इसके लिए हम क्या करेंगे, वी कंसिडर अ रिजिड बॉडी that is composed of n small masses and each mass is rotating about fixed axis of rotation with same angular velocity, then for first particle angular momentum will be m1 r1 square into omega, and second particle ka momentum hoga m2 r2 square omega, and so on, nth particle ka angular momentum hoga mn rn square into omega। अब जो रिजिड बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का जब हमने कंबाइंड एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल होगा एल वन प्लस एल टू प्लस सो ऑन एल एन। हम वैल्यूज पुट कर देंगे एम वन आर वन स्क्वेयर ओमेगा प्लस एम टू आर टू स्क्वेयर ओमेगा प्लस सो ऑन एम एन आर एन स्क्वेयर इंटू ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी कॉमन है सब में, हमने एंगुलर वेलोसिटी को देखिए यहाँ पे कॉमन ले लिया, और ये पूरा फैक्टर क्या बन गया है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी, दैट इज सिग्मा आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई आर आई स्क्वेयर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई, दैट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोशन दो तरह की होती है, एक स्पिन मोशन होती है जिसमें बॉडी अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमता है, दूसरी होती है ऑर्बिटल मोशन जो एक सर्टन ऑर्बिट में बॉडी मूव करता है। फॉर एग्जांपल आवर अर्थ हैज बोथ स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन। इन स्पिन मोशन, स्पिन मोशन की वजह से अर्थ जो अपनी स्पिन मोशन की वजह से एक चक्कर पूरा करती है 24 आवर्स में, और जो सन के गिर्द एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अर्थ रिवॉल्व कर रही है वो एक चक्कर पूरा करती है ये 365 डेज में। तो जो स्पिन मोशन की वजह से होगा मोमेंटम, दैट इज़ नोन एज स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से होगा दैट इज़ नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम।
द एंगुलर मोमेंटम पोजेस्ड बाय बॉडी दैट इज मूविंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड स्पिन द एंगुलर मोमेंटम एज इन दिस फिगर इफ अ पर्सन इज रोटेटिंग और आप कह सकते हैं कि वो इस तरह से अगर एक पर्सन घूमना शुरू कर दे कि वो एक ही जगह पे जो है वो अपने रोटेशंस कंप्लीट कर रहा हो तो हम क्या कहेंगे कि ये उसकी स्पिन मोशन है और उसका मोमेंटम जो होगा वो होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और दूसरे केस में देखें कि ये एक सेंट्रल पॉइंट है, इसके गिर्द अगर इस तरह से एक ट्रैक बना हुआ हो और ये पर्सन जो है वो उस ट्रैक पे मूव कर रहा है तो इस वक्त इसका जो इसकी मोशन होगी ऑर्बिटल मोशन और जो मोमेंटम होगा दैट विल बी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी दैट इज मूविंग इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज द सम ऑफ इट्स स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसकी स्टेटमेंट हमने ये ली थी कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कॉन्स्टेंट। हमने ये क्यों कहा था, आइसोलेटेड सिस्टम क्यों लिया था, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, इफ़ देर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स। अब लीनियर मोशन में फोर्स होती है, एंगुलर मोशन में हम फोर्स को रिप्लेस कर देते हैं टॉर्क के साथ, तो फिर इसकी स्टेटमेंट में क्या आएगा, इफ़ देर इज़ नो एक्सटर्नल टॉर्क देन टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू प्लस सो ऑन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। द इफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज अपरेंट वेन वी कंसिडर अ सिंगल स्पिनिंग बॉडी। अगर हम सिंगल ऑब्जेक्ट को करेंगे कंसिडर तो उस वक्त ये इफेक्ट अपरेंट होगा, अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं तो फिर उसमें सबकी जो है वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जो है वो हम एट द सेम टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली है, आपने देखा होगा कि अक्सर ओलंपिक्स में भी ऐसा होता है कि एक बहुत हाई अबाउट 10 मीटर हाई एक डाइविंग बोर्ड बनाया जाता है जिससे वो फिर डाइव करते हैं पूल के अंदर। देखिए जब वो डाइव करना स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली ये डाइवर की पोजीशन होती है, ये जैसी बिल्कुल शुरू में दिखाई है कि उसकी लेग्स और आर्म स्ट्रेच की होती हैं, फिर वो जब जंप करता है वहाँ से तो अपनी लेग्स और आर्म्स को क्लोज डक पोजीशन में इकट्ठा करना शुरू कर देता है, फिर वो सोमरसॉल्ट्स लेता है यानी कलाबाजियाँ खाता है, कलाबाजियाँ खाते हुए दोबारा से जब वो जंप करता है तो उसकी आर्म्स नीचे होते हैं लेग्स ऊपर हो जाती हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे लेग्स नीचे थी आर्म्स ऊपर थे, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, वो आर्म्स नीचे होंगे लेग्स ऊपर होंगी और वो फिर डाइव करेगा पूल के अंदर। इसमें देखें कि हमने ये क्या कहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक मास पे और एक डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। इस केस में देखें जो बिल्कुल फर्स्ट फिगर है, अगर हम कहें ये बॉडी इस पर्सन का जो सेंटर है ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो देखें इसकी लेग्स और आर्म्स का डिस्टेंस जो है वो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है आर की वैल्यू ज़्यादा होगी, आर आई इक्वल है एम आर स्क्वेयर के, तो इसका मतलब है बॉडी रेडियस यानी आर की वैल्यू ज़्यादा होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो गया। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो एंगुलर मोमेंटम इस केस में लार्ज वैल्यू होगी और एंगुलर वेलोसिटी इस केस में क्या है, स्मॉल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी स्मॉल है। जब उसने अपनी लेग्स और आर्म्स को यूँ कर लिया है क्लोज टक पोजीशन में कर लिया है तो इस वक्त इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया लेकिन वो तेज़ी से रोटेट करना शुरू कर देगा, उतनी उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन टोटल मोमेंटम हर पॉइंट पे उस पर्सन का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो सेम रहेगा। ये देखें हमने यहाँ पे ली है इक्वेशन एल वन इक्वल टू एल टू यानी आई वन ओमेगा वन, ये होगा शुरू में मोमेंटम और आई टू ओमेगा टू है, हम किसी भी पॉइंट पे फाइनल पॉइंट पे ले रहे हैं। अगर इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन टोटल इनकी प्रोडक्ट आई और ओमेगा की कॉन्स्टेंट रहेगी।
अब ये तो है कि मैग्नीट्यूड तो मोमेंटम की कंजर्व हो गई, तो क्या इसकी डायरेक्शन भी कंजर्व रहती है? जब हमने कहा है कि बॉडी की एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है लॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो जो एक स्पिनिंग बॉडी होता है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होता, तो जब डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि मैग्नीट्यूड भी कंजर्व है, डायरेक्शन भी कंजर्व है, तो टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। When a diver dives in the pool, he changes his body position to conserve angular momentum. When he dives, his legs and arms are fully stretched and diver has large moment of inertia. In closed tuck position, his moment of inertia reduces and he must spin fast to conserve angular momentum. जब moment of inertia कम हो जाएगा तो उसको अपनी angular velocity बढ़ानी पड़ेगी. The direction of angular momentum remains along axis of rotation unless some external torque acts on it. अर्थ रोटेट्स अबाउट द सन एज देर इज नो कंसिडरेबल टॉर्क, दैट्स वाई एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ रिमेन्स सेम। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर इट प्रॉपरली।